जाने मत देना। समथिंग फॉर नॉलेज प्रेजेंट्स स्मार्ट टेस्ट थीज काटान कैमरा। सबसे पहले आप पहनावे से अमीर घराने की दिख रही इन तीन महिलाओं के कुकर्मों को देखिए। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये तीनों महिलाएं मॉल में सामान खरीदने आई थी, पर मौका मिलते ही इन्होंने सीसीटीवी कैमरे को अपना असल रूप दिखा दिया और तीनों के तीनों ही अपने पैंट के अंदर चोरी किए हुए सामान को रखने लगी। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि आप फालतू फंड में इन सुंदर कन्याओं को चिंदी चोरी के लिए बदनाम कर रहे हैं, कोई पैंट के अंदर कितना ही सामान रख सकता है। तो दोस्तों, हम आपका भ्रम अभी दूर किए देते हैं। आप जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रही ये महिला दुकान के अंदर कुछ खरीदने के उद्देश्य से प्रवेश करती है, पर दुकानदार को अंदर न देखकर उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती है और वो झट से इतने बड़े सामान को अपने साड़ी के अंदर रखकर निकल जाती है। अब आप इन दृश्यों को देखकर सोच में पड़ गए होंगे कि ये महिलाएं इतने बड़े बड़े सामानों को पैंट या साड़ी के अंदर रखकर चल कैसे पाती है। तो दोस्तों, आप इस दृश्य को देखिए, आपका सारा का सारा सस्पेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये तीन चार महिलाएं कपड़े के दुकान में प्रवेश करती है। एक महिला दुकानदार से बात करती है और उनमें से दो कपड़े देखने लगती है, और जैसे ही दुकानदार कपड़े दिखाना शुरू करता है, अब आप इनके साड़ी के अंदर बने इस खुफिया गुफा को देखकर ये बात भली भांति समझ गए होंगे कि अगर इन्हें मौका मिले तो ये पूरी की पूरी दुकान ही कसकर वहां से निकल जाएंगी। अब दोस्तों, ये वीडियो भी एक कपड़े की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो में दिख रही इन चारों पांचों महिलाओं की सूरत भले ही बहुत ही अच्छी है, पर इनकी सीरत कतई जहर है। सबसे पहले तो इनमें से एक महिला कपड़ा देखने के बहाने कपड़े को फैलाकर अपने सहेलियों को छुआने का प्रयास करती है, ताकि इनकी सहेलियाँ आसानी से अपने कुकर्म को अंजाम दे सके। और उसके बाद ये महिलाएँ तुरंत इन कपड़े के बंडलों को अपने सलवार में रख लेती हैं। लेकिन अब आप जिस वीडियो को देखने वाले हैं, उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस दुकान में तीन महिलाएं प्रवेश करती हैं जो दिखने में शरीफ घराने से लग रही थी। इनमें से दो महिलाएं दुकानदार को सामान दिखाने के बहाने काउंटर से बाहर बुलाकर ले जाती है और उसे अपनी बातों में उलझा कर रखती है। और तभी इनमें से एक महिला मौके का फायदा उठाते हुए दुकानदार के पैसों पर अपना हाथ साफ कर देती है। अब इस वीडियो में दिख रही है दो सुंदर कन्याएं मोबाइल शॉप पर आती है। दुकानदार को लगता है कि मोबाइल खरीदने आई है, पर इनका इरादा कतई नेक नहीं था। अब देख सकते हैं कि इनमें से एक महिला इस भोले भाले दुकानदार को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाती है, और तभी दूसरी कन्या ने एक मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर दिया। पर अब आप इस वीडियो में दिख रही भोली भाली इस सुंदर लड़की को देखिए, पर इसकी भोली भाली सूरत पर आप कतई न जाए, क्योंकि ये अकेले नहीं बल्कि अपने दुपट्टा गैंग के साथ दुकान का काम तमाम करने आई है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये महिला अपने हाथ के दाहिने तरफ बने बॉक्स के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है, और जैसे ही बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है तो एक प्लान के तहत दुपट्टा गैंग की सारी महिलाएं वहां से जाने लगती है, और उनमें से एक महिला दुकानदार का ध्यान भटकाने के लिए उससे हंसकर बातें करने लगती है, और इसी बात का फायदा उठाकर ये लड़की बहुत बड़ा हाथ मार लेती है। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने भोले भाले फेस के दम पर ये लड़कियाँ किस तरीके से अपने कुकर्मों को अंजाम देती है, अब खुद देखिए। जाने मत देना। इस वीडियो में दिख रही ये दोनों महिलाएं भी मॉल के अंदर सामान खरीदने के बहाने चोरी के काम को अंजाम देने आई थी, और ये ठीक से अपने चोरी के काम को अंजाम भी दे रही थी और अपने पैंट के अंदर सामान को भरने में मसरूफ थी। तभी मॉल के मालिक की नजर इन पर पड़ जाती है, पर यह आदमी जैसे ही इन महिलाओं के साथ जबरदस्ती से पेश आता है तो ये वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। गिर लो छोड़ दो।
लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि इस वीडियो में इन चोरों की चोरी करने का तरीका देख कोई भी दंग रह जाएगा। सबसे पहले तो ये एक ऐसी दुकान को चुनते हैं जिसका मालिक कोई बुजुर्ग हो, और कोई छोटा मोटा सामान खरीदने के बाद ये दुकानदार को एक बड़ा सा नोट दे देते हैं और छुट्टी लेने की कोशिश करने लगते हैं। और छुट्टी देने के लिए दुकानदार जैसे ही दुकान का लॉकर खोलता है तो ये पैसे देख लेते हैं और ये प्लान बना लेते हैं कि कहाँ पर हाथ मारना है, और ठीक उसी वक्त इशारा करते हुए लॉकर के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि दुकानदार जैसे ही सामान निकालने की कोशिश करे तो ये आसानी से पैसे निकाल सके। लेकिन इस तरकीब से चोर कामयाब ना हो सका और उसके बाद इसने दूसरी तरकीब अपनाई और तौलियों को खोलकर अपने हाथ को छुपाते हुए लॉकर से पैसे बुजुर्ग को इन दोनों की इस अजीब हरकत पर थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं वे नोट तो नकली नहीं थमा बैठे, और वो बेचारे बुजुर्ग लेंस लगाकर नोट की क्वालिटी चेक करते रहे और ये दोनों के दोनों उनका लॉकर से पैसे निकालकर वहां से चलते बने। लेकिन ये वीडियो पाकिस्तान के कराची शहर का है जो साल 2019 को CCTV कैमरे में कैद हुआ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि 3-4 लोग मोबाइल शॉप की दुकान पर मोबाइल खरीदने आते हैं और मोबाइल के कुछ फीचर्स दिखाने को कहते हैं, और फिर दुकानदार उन्हें मोबाइल के फीचर्स समझाने लगता है। तभी इनमें से एक बड़ी सावधानी से काउंटर के अंदर आता है और चुपके से दुकान में रखे 2 मोबाइल लेकर चला जाता है और वापस जाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। पर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ कांड हो गया है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में दिखाए गए सभी दृश्यों में ज़्यादातर हमने महिलाओं को दिखाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम महिलाओं को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि दोस्तों ये जो महिला है जिस तरीके से चोरी कर रही थी वो बहुत ही यूनिक स्टाइल था। ऐसा स्टाइल मैंने पहली बार देखा था ऐसा चोरी करते हुए। और दोस्तों इसीलिए मेरा काम है लोगों को जागरूक करना कि लोग ऐसे लोगों से अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि दोस्तों ये महिला है इतनी सफाई से इतने शानदार तरीके से इस चोरी को अंजाम दे रही है जिन्हें कर किसी को शक भी नहीं होगा और आपकी पूरी की पूरी दुकान भी खाली हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हमने इस वीडियो को इसलिए बनाया ताकि लोग ऐसे लोगों से सावधान रहे और अपने दुकान में रखी चीज़ों को या अपने सामान को चोरों से बचा सके। और दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को हमने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।